समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव द्वारा पुलवामा आतंकी हमले पर की गई टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीआरपीएफ के बहादुर जवानों की शहादत पर समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव द्वारा प्रश्न खड़ा करना तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है तथा राजनीति में घटिया स्तर का प्रदर्शन है। इस प्रकार के शर्मनाक बयानों से देश के बहादुर जवानों के मनोबल को तोड़ने की साजिश का हिस्सा है। सीएम योगी ने कहा, सपा महासचिव द्वारा आतंकी संगठनों के दुस्साहस बढ़ाने वाला इस प्रकार के बयानों के लिए सपा महासचिव रामगोपाल यादव को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सीआरपीएफ के बहादुर जवानों की शहादत पर समाजवादी पार्टी के महासचिव श्री राम गोपाल यादव के द्वारा प्रश्न खड़ा करना तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है, राजनीति के घटिया स्तर का एक प्रदर्शन है। इस प्रकार के शर्मनाक बयानों से देश के बहादुर जवानों के मनोबल को तोड़ने की एक साजिश का एक हिस्सा है। आतंकी संगठनों के दुस्साहस को बढ़ाने वाला इस प्रकार के बयानों के लिए सपा महासचिव को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हर व्यक्ति जानता है कि पुलवामा में 14 फरवरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना 48 घंटे के अंदर ही हमारे बहादुर जवानों ने पुलवामा के दोषियों को मार गिराया था। पिछले 4-4.5 वर्षों के दौरान आतंकवाद के खिलाफ, किसी भी प्रकार के उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार ने जिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य किया है, आज उसका परिणाम पूरे देश के सामने है। पहली सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पूर्वोत्तर के राज्यों के उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त किया। दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से कश्मीर घाटी के आतंकियों की कमर तोड़ करके रख दी। बौखलाए आतंकी संगठनों के हर उस नापाक इरादों को पूरी तरह बेनकाब करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने सदैव आतंकवाद और हर प्रकार के उग्रवाद का डटकर के मुकाबला किया और इस देश की सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाक अधिकृत कश्मीर में बालाकोट के अंदर जितने भी आतंकी कैंप थे उन्हें नष्ट करके शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिया, भारत के बहादुर जवानों के इस शौर्य और पराक्रम को पूरी दुनिया ने लोहा माना। अपने बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न खड़ा करना आतंकियों के पक्ष में सहानुभूति व्यक्त करना अत्यंत शर्मनाक है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसकी सरकार के समय 2012 से 2017 के बीच देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक दंगे हुए, हजारों निर्दोष लोग मारे गए और यही नहीं, सरकार ने प्रदेश में 2012 में आने के तत्काल बाद जो सबसे शर्मनाक कार्य पहला किया था वह
प्रदेश के विभिन्न आतंकी घटनाओं के जिम्मेदारों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित चेष्टा भी की थी। वोट बैंक की तुष्टीकरण की यह घटिया राजनीति इस देश की सुरक्षा को और राजनीति को कहां लेके जाएगी, ये स्वाभाविक रूप से एक भारी प्रश्न हम सबके सामने है। श्री रामगोपाल यादव का बयान राजनीति की तुष्टीकरण की घटिया राजनीति का एक भद्दा उदाहरण, श्री रामगोपाल यादव को सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर प्रश्न खड़ा करने और इस देश के बहादुर जवानों के मनोबल को तोड़ने वाले इस बयान के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब ये देश आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा हो तब इस प्रकार के तुष्टीकरण के पोषक बयानों के माध्यम से देश के मनोबल को तोड़ने वाले, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले इस प्रकार के बयानों को देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। हर हाल में यह देश अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ा है। इस देश की प्रत्येक नागरिक ने इस देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के द्वारा एयर स्ट्राइक के माध्यम से या सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत की सामरिक ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराने, सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया के सामने मनवाने का जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, बालाकोट की घटना ने भारत की सामरिक ताकत का एहसास देश के दुश्मनों को करवाया है। पुलवामा की घटना के 48 घंटे के अंदर उसके मास्टरमाइंड समेत सभी आतंकियों को मार गिराया जाना, लगातार आतंकियों के सफाई के लिए जिस दृढ़ निश्चय के साथ भारत सरकार ने कार्य किया है, लगातार कार्य चल रहा है, आतंकवाद के इस निर्णायक लड़ाई में ये लड़ाई केवल एक दल की नहीं पूरे देश की लड़ाई है और देश की लड़ाई को कमजोर करने की इस प्रकार की घटिया बयानबाजी वह भी वोट बैंक के लिए अत्यंत शर्मनाक है। श्री रामगोपाल यादव को अपने शर्मनाक बयान के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद।